तो हम लोग यहाँ पर अब हमारे पास चार टोकन है, तो अब हम लोग यूएनटीपी टोकन के ऊपर बात करते हैं जो कि दूसरा टोकन है। एक अलग स्थिति है इसकी, अगर आपने देखा होगा तो ये ब्लॉकचेन के का ब्लॉकचेन यानी कि क्रिप्टो यूनिट यानी कि प्लेटफॉर्म टोकन है। तो ये एक प्रकार से क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं किसी देश की। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं यूक्रेन में रहती हूं और यहां पर जो मुद्रा है वो ग्रीनला है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर इस सेमिनार के अंदर बहुत सारे देश हैं और सभी की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। तो यहाँ पर हर ब्लॉकचेन के पास भी, हर एक ब्लॉकचेन पर भी अपनी मुद्रा चलती है, और यूएनटीपी टोकन जो है हम लोग उसको तुलना कर सकते हैं कि ये क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की मुद्रा है। तो अगर आप किसी दूसरे देश में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको उस देश की मुद्रा रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पर जो भी खरीदारी करनी है या जो भी आपको वहां पर खर्चा करना है तो आपको उनकी मुद्रा में ही करना होगा। तो उसी प्रकार अगर आपको क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर रहना है और तो उसके लिए आपको यूएनटीबी मुद्रा रखनी होगी, और इसका जो है वो 80,023,456,779 है और ये 10 सालों में जारी होंगे। तो ये सबसे ज्यादा अधिकांश जो है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो तो की जारी किए जाएंगे, वो इतने सिक्के जारी किए जाएंगे 10 सालों के अंदर। और यहां पर जो ये जारी करने की जो गति होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये ब्लॉकचेन पर जो भी टोकन्स होते हैं ये उसी प्रकार से कार्य करते हैं, और ये टोकन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप या कोई भी आप जो है आप वॉलेट खोलना चाहते हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर और दस यूएनटीपी टोकन आपको मुफ्त मिलते हैं, ताकि जब आप अपना वॉलेट खोलते हैं ताकि आप ब्लॉकचेन पर जाकर अपने पहले कदम उठा सकें। तो यूएनटीपी टोकन जो है वो शुरुआत से ही तरल होता है, और यूनिटेक्स एक्सचेंज के ऊपर आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं जो कि हमारे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का पार्टनर है। और अगर आपने अभी तक उसके ऊपर पंजीकृत नहीं किया तो पंजीकृत जरूर कर लीजिए, और एक बार जब आप पंजीकृत कर लेते हैं, सत्यापन हो कर लेते हैं, तो आपको बहुत फायदे होते हैं। तो यूएनटीपी टोकन के क्या फायदे हैं, तो सबसे पहले हो सकता है कि आपके लिए नई जानकारी हो, लेकिन जो व्यवसाय हैं, जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं, वो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो कि उनके परिसंपत्तियों को टोकनीकरण कर सकती है, तो और मैं आपको टोकनीकरण का मतलब बताती हूँ, तो जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो कि शेयर जारी करते हैं, और अब कंपनी जो है वो अपने परिसंपत्ति की स्थिति को बदलना चाहती है, वो चाहती है कि ये परिसंपत्ति तो रहे लेकिन इसका डिजिटलीकरण हो जाए, डिजिटलाइज्ड हो जाए, तो कागजी शेयरों की जगह वो चाहती है कि वो डिजिटल टोकन हो जाए। तो यहां पर क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के पास ये एक विकल्प मौजूद है, और ये एक पूर्ण रूप से कानूनी इकाई है, तो इसीलिए यहां पर उनको उस समय उसका जो अपने परिसंपत्ति का अगर वो टोकनीकरण करेंगे तो उनको बहुत सारे यूएनटीपी टोकन चाहिए होंगे। और यहाँ पर इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो यूनिटेक्स पे जाएंगे और यूएनटीबी खरीदने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर उनको वो टोकन खरीदने होंगे, और टोकन खरीदने के बाद उनको फ्रीज करना होगा, एक रिजर्व फंड में रखना होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से आपकी राय जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे जो व्यवसाय हैं जो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर आकर अपने परिसंपत्ति का टोकनीकरण करेंगे, तो ये तो होने ही वाला है, और जो ब्लॉकचेन हम लोगों ने जो बनाई है उसके अंदर हम लोग व्यवसायों के का टोक जो परिसंपत्ति है उसका टोकनीकरण कर पाएंगे अपने पारिस्थित की तंत्र के अंदर। तो अगर आपको याद होगा पहले पहले वेबिनार इवान पोलियांचिक के साथ,
तो उन्होंने आपको ये बताया था कि एक एसटीओ करके प्रक्रिया होती है जो कि सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग होती है, और अगर आपको ये याद हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि एक सिक्योरिटी टोकन को जारी करने का क्या फायदे हैं अगर हम तुलना करते हैं आईसीओ के साथ या आईपीओ के साथ। तो मैं आपके प्रतिपुष्टि का इंतजार कर रही हूं, और यहां पर वो लोग जो कि जिसको जिनको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर याद दिला दे देती हूं। तो ये एक कानूनी इकाई है, एक कानूनी इकाई के पास अपने निवेशकों के लिए कुछ गारंटी करनी होती है या उनके स्टॉक धारकों के लिए, शेयर धारकों के लिए, और ये एक रेगुलेटेड परिसंपत्ति है। और ये जो टोकन है, यहाँ पर जैसे लोग कह रहे हैं कि ये टोकन जो है वो एसेट्स उनकी पृष्ठभूमि में होते हैं, ये ठीक बात है। और अगर कानूनी इकाई या जो व्यवसाय है वो टोकनीकरण करने की का निर्णय करती है तो उस समय उनको कुछ टोकन एक निर्दिष्ट मात्रा में जो टोकन है, और ये इस पर निर्भर करेगा कि उनके कितनी परिसंपत्ति है, और उसी हिसाब से उनको जो यूएनटीवी टोकन है वो खरीदने पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि यूएनटीवी टोकन की जो मांग है वो बढ़ेगी, और ये बिल्कुल बढ़ेगी, और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी यूएनटीवी की तो क्या होगा, तो उस समय मूल्य यूएनटीबी का बढ़ेगा। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे एक एक्सक्लेमेशन चिन्ह दबाकर आप मुझे इसकी पुष्टि करें, धन्यवाद। और ये होने वाला है, और हम लोग इस समय केवल देख रहे हैं, और ये बहुत शीघ्र हमारी आंखों के सामने होगा। और फिर उसके बाद जो एक दूसरी श्रेणी होगी कंपनियों की, जो कि अपने टोकनों को टोकनीकरण तो नहीं, जो अपने परिसंपत्ति को टोकनीकरण तो नहीं करेगी, लेकिन वो एक नए परिसंपत्ति के हिसाब से अपने टोकन, अपने उनकी जो संपत्ति है उसको टोकनीकरण करने की कोशिश करेगी। और ये जैसे कि कोई अगर व्यक्ति विशेष चाहेगा कि जो उसकी परिसंपत्ति है और उसको वो टोकनीकरण करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इस प्रकार जो ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन की प्रौद्योगिकी है वो मांग में आएंगी, और जितनी ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे तो ये यूटिलिटी टोकन्स और ये जो मंच है, जो ये यूएनटीबी है, इनकी मांग जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस साल के अंत तक इस टोकन का क्या मूल्य होगा, और मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग जो अटकलें लगा रहे हैं क्या वो पूरी होती हैं कि नहीं। तो अब देखते हैं कि ये टोकन जो है ये किस प्रकार रिलीज होते हैं। तो ये जो कंपनी है वो उन लोगों को पुरस्कार देती है जो कि दिलचस्पी दिखाते हैं इसके टोकन के खनन के लिए, तो इनको माइनर्स कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 95% टोकन जो है वो स्टेक होते हैं, और 5% जो है वो माइनर्स के वो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो 95% वो लोग आय प्राप्त करते हैं स्टेकिंग के माध्यम से, जो कि अपनी WCRU को स्टेक करते हैं, और 95% जो टोकन है जिनको जो जारी किया जाता है वो उनको किया दे, उनको एक स्टेकिंग के रूप में उपहार दिया जाता है, और माइनर्स को केवल और केवल 5% पुरस्कार मिलता है। और उसके बाद जो ये टोकन है, ये टोकन एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, और उसके बाद इनको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों के पास कोई भी डिजिटल परिसंपत्ति नहीं है तो वो एक्सचेंज से वो खरीद सकते हैं, और ये व्यक्ति विशेष और कानूनी इकाइयों यानी कि कंपनियों के लिए उपलब्ध है। और जैसे ही वो क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के अंदर अपना जो जैसे ही वो उसके अंदर आएंगी तब उनको यूएनटीबी की आवश्यकता होगी। आइए इसको हम लोग देखते हैं, इनकी कुछ संख्याएं देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले जो है 40 यूएनटीबी जो थे उनका खनन किया जाता था
उनका खनन किया जाता था आधे सेकंड के अंदर। तो उसके बाद हम लोग उसको 30 दिन से उसको 95% से हम लोग गुना करते थे। तो हमारे पास अगर हम लोग ये देखते हैं तो अगर आप प्रति सेकंड 80 UNTP मानते हैं तो आप 80 को 60 से गुना करेंगे, 60 सेकंड 60 मिनट गुना करेंगे, 60 गुना करेंगे आप उसके बाद घंटों से, उसके बाद आप गुना करेंगे आप दिनों से, उसके बाद आप गुना करेंगे एक से जो कि महीना है। तो आपके पास जो है आपके पास जो टोकन आएंगे वो आएंगे 2073600000। तो ये आपके पास 30 दिन में आएंगे। तो 95% जो आपको स्टेकिंग के माध्यम से जो आपको आए होगी वो होगी यहाँ पर 19.6 मिलियन UNTV के हिसाब से। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो जारी किए गए क्रू हैं वो 15 बिलियन के आसपास है, तो हम लोग इसको हम भाग करेंगे तो हमारे पास एक गुणांक आएगा जो कि 0.13 UNTV का होगा। अब ये जो 0.13 का जो गुणांक है उसको हम लोग देखेंगे, अगर हम ये मानते हैं कि आपके पास 10,000 W क्रू हैं, तो हम 0.13 को जो गुणांक है उसको 10,000 से हम गुणा करेंगे तो आपके पास 1300 UNTV प्रति माह आएंगे। और अब अगर हम लोग अब धीरे धीरे जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनकी गति जो खनन की गति है वो धीरे होती जाती है, तो इस समय जो UNTV की प्रति सेकंड का जो खनन है वो 48 है। तो अगर हम उसी संख्या के हिसाब से करते हैं और आपके पास अगर 10,000 W क्रू है तो आपका गुणांक जो आता है वो 0.005 का आता है, तो आपको मिलते हैं 50 UNTV प्रति माह। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी कक्ष से आवाज आनी बंद हो गई। और तो यहां पर अब आप देख रहे हैं तो हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर आपने केवल 50 UNTV जो है वो आपने 10,000 W क्रू के ऊपर आपने एक महीने में आपने इसका पुरस्कार प्राप्त किया। और आने वाले समय के अंदर जो UNTV की जो खनन है वो एक अलग सिद्धांत के साथ जो है वो बांटा जाएगा, आवंटित किया जाएगा। आज मैंने आपको 95% और 5% का मैंने सिद्धांत बताया, लेकिन अब जो आने वाले समय में कुछ बदलाव आने वाले हैं और बहुत शीघ्र क्या होने वाला है, बहुत शीघ्र ये जो है ये खनन करने वालों को, माइनर्स को बहुत प्रभावित करेगा। तो जो प्रतिशत है वो जो खनन करने वालों को 40% दिया जाएगा, और उसके बाद जो 40% है वो बटेगा W क्रू धारकों में और 20% यहां पर रखा जाएगा इस ब्लॉकचेन के लिए। तो यहां पर जो सिद्धांत है वो सिद्धांत मैं आपको फिर से बता दूं, 40% खनन करने वालों के लिए, माइनर्स के लिए 40% दिया जाएगा UNTV जो W क्रू के धारक हैं उनके लिए, और 20% इस ब्लॉकचेन के लिए रखा जाएगा। तो जो लोग जिन्होंने अपने अपनी परिसंपत्ति को ऐसे को जो उन्होंने स्टेक किया है, तो आपने शायद अभी तक बहुत सारी UNTV कमा लिए होंगे, तो इनका ध्यान रखिएगा और इनको आप बेचने के लिए सोच समझ कर इसका उपयोग कीजिएगा। और ये अभी जो टोकन है ये एक साल भी पुराने नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो UNTV टोकन्स हैं इनका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर कार्य करते रहेंगे। तो जब भी आपको UNTV टोकन्स चाहिए होंगे तो ये एक प्रकार से संसाधन है जो कि आपको ब्लॉकचेन के ऊपर चाहिए होंगे। यदि आप इनके इस ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी आदान प्रदान करना चाहते हैं या आप कुछ भी लेन देन करना चाहते हैं, ये एक प्रकार से ब्लॉकचेन का ईंधन है। अगर आप ईंधन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे कि आप अगर लैपटॉप के ऊपर काम करना चाहते हैं, अगर इंटरनेट नहीं होगा, बैटरी नहीं होगी, ईंधन नहीं होगा तो लैपटॉप काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा
कि आपके पास यूएनटीबी पर्याप्त मात्रा में है ताकि आप पूरी जीवन में जो है आपको यूएनटीबी की जरूरत ना पड़े। मुझे आज एक उदाहरण याद आ रहा है, 2017 में जब हम लोग यूरोप में थे और हम लोगों ने ये देखा कि वहां पर एक रणनीति थी और मेरे परिवार में कुछ आदतें थी, कुछ हमारे देश की आदतें कह लीजिए कि ऐसी थी कि हम लोग ये कहते थे कि हम लोग जो भी अपने जो बचत थी वो हम लोग यूएस डॉलर में करते थे और हम लोग उस समय बहुत ज्यादा यूरो अपने पास नहीं रखते थे और हम लोग जब भी यूरोप जाते थे तो हम लोग अपने साथ यूएस डॉलर लेकर जाते थे और हम लोगों को एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोगों को रोकड़ की जरूरत थी और हमारे पास केवल यूएस डॉलर थे। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विनिमय दर एक्सचेंज रेट कितनी थी जब मैंने अपने अपने यूएस डॉलर को मैंने जब अपने यूरो के अंदर उनको बदलाया, उनको विनिमय किया, तो मुझे बता सकते हैं कि इस समय विनिमय दर क्या चल रही है? जी हाँ, उस समय बहुत महंगा था, $2 के ऊपर एक यूरो करते थे। मेरे जो $100 थे वो केवल और केवल 50 यूरो में बदले गए, उनका विनिमय हुआ। लेकिन यहां पर आपको इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे घर की जो बचत की जो रणनीति थी वो पर्याप्त नहीं थे। जब आप अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो आपको शायद यूरो बचाने चाहिए थे और तब शायद आपकी बचत की रणनीति बिल्कुल सफल होती। और मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया, वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि यूएनटीबी टोकन जो कि जिसकी जो उम्र दीर्घ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसका इस्तेमाल बहुत बखूबी होगा, तो आप उस परिस्थिति में ना पड़िएगा जिस परिस्थिति में मैं पड़ी, जबकि मैं यूरोप जाकर यूएस डॉलर लेकर गई। तो अब आई